मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से, मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं आज आपको खुर्जा लेकर चल रहा हूं, खुर्जा की उस घटना से जोड़ रहा हूं जहां स्टाम्प विक्रेता अपने कैश को जमा करने के लिए बाइक से बैंक जा रहा था और उसी के साथ चल रहा एक राहगीर जो अज्ञात व्यक्ति था, उसने उस डिग्गी में से जो पैसे का थैला रखा हुआ था वो निकाल लिया। क्या कह सकते हैं हम, किस तरीके से सुरक्षा कही जा सकती है? हालांकि पुलिस उस जांच में जुटी हुई है कौन था वह व्यक्ति, क्योंकि पूरी घटना जो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। हालांकि आला अधिकारियों का कहना है कि हम उस घटना जो घटना हुई है और जिसने घटना की है हम उस तक पहुंच चुके हैं और जल्दी ही इस घटना का अनावरण भी करेंगे, ये कहना है वहां के स्थानीय इंस्पेक्टर व सीओ महोदय। तो चलिए मेरे साथ क्या कहना है हमारे राकेश जो सहयोगी पत्रकार है उनका, और किस तरीके से उन्होंने घटना को कवरेज किया, चलिए मैं आप उसको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। किस बात को लेकर के रोड जाम किया गया? कोतवाली के बिल्कुल सामने हमारे संघ के नगर संघ चालक के 5,75,000 रुपए छीन लिए गए और सूचना के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मनमानी धाराओं में स्वयं कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से उस पर जो धाराएं लगती हैं वो लगाएंगे। जब हमने कहा कि कोतवाली के सामने जब इस प्रकार की घटना हो सकती है 5,75,000, जबकि रोज वो स्टाम्प का काम है, रोज जाते हैं, अब वो पुलिस वाले करेंगे जी आपको सूचना दे के करना चाहिए ये। जब कोतवाली के बिल्कुल सामने इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है तो बाकी जो मिनी बैंक और इस प्रकार के काम करते हैं वो किस प्रकार सुरक्षित हो पाएंगे? कौन रोज रोज इनको सूचना देगा? उनका तो रोज का काम है पैसा जमा करने का और निकालने का। अब ये बिल्कुल कोतवाली से 2 कदम की दूरी पर नहीं है, वहाँ से इनके साथ इस प्रकार की घटना हो गई है तो बाकी जो आम जनमानस है वो कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और ये बताने के बावजूद भी नगर के हमारे संघ के संघ चालक है वो उस पर भी अपनी मनमानी करने जा रहे हैं, जबरदस्ती अपनी एप्लीकेशन ले रहे हैं, जो वास्तव में घटना हुई है उसको लिखने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए आप बताओ? उन 5,75,000 कोई छोटी रकम नहीं है उनके लिए, वो रात को आत्महत्या कर लेंगे, रात को डिप्रेशन में आ गए तो वो क्या कर लेगा उनका? तो कम से कम आश्वासन देना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि भाई जो ठीक घटना है उसको हम उस धाराओं में लिखेंगे। संघ के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपराधी जो सीसीटीवी में भी कैद हो गया, सीसीटीवी में उसका बिल्कुल साफ चेहरा लगभग आया है, जो मेरे पास भी सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद भी यहाँ से कुछ जाने के लिए ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। ये कल को देखेंगे जब वो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो कानून व्यवस्था चौपट हो, कानून व्यवस्था के नाम पर तो आज तो ऐसा लग रहा है कि जो सब बिल्कुल कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 4 सिपाही नहीं है इनके पास, जाकर देखे सीसीटीवी फुटेज जो हमने दिखा दिया उन्होंने देख लिए, आगे इतने सीसीटीवी लगे हुए कहीं देखने के लिए तैयार ही नहीं है। भारत की जय, भारत माता की जय।